हेलो एवरीवन, आई एम रमेश निषाद एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन बिहाफ ऑफ अभिप्सर टीम। जैसा कि आप जानते हैं कि हम एक मिशन चला रहे हैं जिसका नाम है मिशन 2023, जिसमें ढेर सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स आपको वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड किए जा रहे हैं। और आज हम पढ़ने वाले हैं डू एज डायरेक्टेड, ये पार्ट 3 है। यदि आपने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 को नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए हुए हैं, आप जा करके देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारा डू एज डायरेक्टेड का पार्ट 3। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन आपका कितने नंबर का आने वाला है, ये आपका 10 नंबर का आने वाला है। और इन तीनों वीडियोज़ को देखने के बाद आपका 10 नंबर एकदम फिक्स है। तो स्टार्ट करते हैं, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है बॉयज फ्लाई काइट्स, चेंज द वॉइस चेंज करना है, यानी एक्टिव में दिया हुआ है, एक्टिव को हमें पेसिव में चेंज करने हैं। तो देखिए, ये बॉयज है, ये सब्जेक्ट है, फ्लाई वर्ब है, काइट्स क्या है, ये ऑब्जेक्ट है। तो हमेशा पेसिव वॉइस में हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं और हमेशा हम ऑब्जेक्ट को पहले लिखते हैं जनरली, ठीक है, यानी जो सेंटेंसेस रहते हैं उनमें। तो ऑब्जेक्ट पहले लिखेंगे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे काइट्स। काइट्स एक से ज़्यादा है, ये कौन से टेंस का है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है या प्रेजेंट सिंपल टेंस है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पहले काइट्स, उसके बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम इज एम आर का यूज़ करते हैं, इज एम आर हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं। तो काइट्स है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आर, काइट्स आर। एक काइट अगर रहती तो काइट, यानी एक काइट रहती तो हम क्या लिखते, इज लिखते, आई के साथ एम लिखते, और ढेर सारे काइट्स हैं इसलिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, आर लिखेंगे। तो काइट्स आर। उसके बाद फ्लाई की थर्ड फॉर्म क्या होती है, फ्लाई, फ्लू, फ्लोन, तो यहाँ पे हम लिखेंगे फ्लोन। काइट्स आर फ्लोन किसके द्वारा, बाय बॉयज, इस तरह से। जो काइट्स हैं वो पतंगे हैं, वो लड़कों के द्वारा उड़ाई जाती है, इस तरह से इसका सेंस होगा, बॉयज फ्लाई काइट्स या फिर काइट्स आर फ्लोन बाय बॉयज। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, ही सेड अर्थ मूव्स अराउंड द सन, चेंज द नरेशन, यहाँ पे नरेशन चेंज करना है। यहाँ पे जो सेंटेंस दिया हुआ है वो क्या है, अर्थ मूव्स राउंड अराउंड द सन, ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो यहाँ पे हम कोई चेंज नहीं करेंगे। तो यहाँ पे ही सेड, तो यहाँ पे लिखेंगे ही सेड या ही टोल्ड, उसके बाद दैट लिख करके सेंटेंस को हम एज इट इज लिखते हैं, क्योंकि यूनिवर्सल ट्रूथ में हम कोई भी चीज़ें चेंज नहीं करते हैं। दैट अर्थ मूव्स अराउंड द सन, इस तरह से। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज एज सून एज द सन राइजेस डार्कनेस डिसअपीयर्स, रीराइट यूजिंग नो सूनर दैन का यूज करना है। तो जो बोलने का जो सेंस होता है वो बस चेंज होता है, बाकी जो मीनिंग है वो एज इट इज रहता है। जैसे ही जो सूर्य है, जैसे ही सूर्य का उदय होता है अंधकार समाप्त हो जाता है, या अंधकार जो होता है वो क्या हो जाता है, गायब हो जाता है। इसी को हमें नो सूनर देन का यूज करना है, मीनिंग वही रहेगा। तो यहां पे हम लिख सकते हैं नो सूनर डज द सन राइज। देखिए, नो सूनर पहले लिखेंगे, उसके बाद हम लिखेंगे एस सुन एस की जगह पे हमने लिखा नो सुनर, उसके बाद यहाँ पे देखिए ये कौन से टेंस में है, द सन राइसेस, ये कौन से टेंस में, ये प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम डू या डज का यूज करते हैं, जैसे नेगेटिव या इंट्रोगेटिव बनाते हैं। तो यहाँ पे हम लिखे हैं डज। यदि यही जो है, यदि पास्ट टेंस की होती तो पास्ट टेंस में हम क्या करते हैं, पास्ट टेंस में हम डीड का यूज करते, या फिर यदि पास्ट परफेक्ट में होता तो हम हैड का यूज करते, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा है, डज लिखा है। उसके बाद द सन राइसेस, यहाँ पे देखिए राइसेस लिखा था, तो चूंकि हमने यहाँ पे डज लिखा है तो यहाँ पे जो राइसेस होगा वो सिर्फ राइज लिखेंगे,
ठीक है। तो नो सूनर डज द सन राइज, ये अपना फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम लिखेंगे इसको, क्या है ये, देन, हम लिखेंगे यहाँ पे देन। देन उसके बाद जो सेकेंड पार्ट है, कॉमा के बाद वाला जो पार्ट है, यहाँ पे कॉमा लिखने की जरूरत नहीं है। एज सुन एज में हम कॉमा लिखते हैं, लेकिन नो सुनर देन के यूज में कॉमा लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे हम कॉमा नहीं लिखेंगे, सिर्फ देन लिखेंगे। उसके बाद जो बाकी का जो पार्ट है, सेंटेंस का जो पार्ट है कॉमा के बाद वाला, उसको हम एज इट इज लिख देते हैं। देन डार्कनेस डिसअपीयर्स, इस तरह से, ठीक है। नो सूनर डज द सन राइज देन डार्कनेस डिसअपीयर्स। तो कहीं कहीं पे आपको लिखा हुआ मिलेगा, नो सूनर द सन राइजेस देन डार्कनेस डिसअपीयर्स, लेकिन ग्रामेटिकली ये जो है परफेक्ट है। ये डज को हम जो है, जो हेल्पिंग वर्ब रहते हैं उसे पहले लिखते हैं नो सूनर देन के यूज में। जैसे मैंने बताया कि पास्ट टेंस में हम डिड या फिर हैड का यूज़ करते हैं, लेकिन प्रेजेंट में हम डू या फिर डज का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आप ये समझ गए होंगे, क्योंकि यहाँ पे जो सन है वो एक है, यहाँ पे वर्ब में ए से एस लगा हुआ है, सो इसीलिए हम यहाँ पे डज का यूज़ किए हैं। यदि एक से ज़्यादा अगर तारे की बात होती तो यहाँ पे हम क्या लिखते, डू लिखते। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज ही सो वीक दैट ही कैन नॉट वर्क एनी मोर। यहाँ पे देखिए टू टू का यूज़ करना है, किसकी जगह पे, सो दैट की जगह पे। तो बहुत ही सिंपल है, सो की जगह पे हम क्या लिखेंगे, ये वाला टू, और उसके बाद दूसरा टू लिखने के बाद डायरेक्ट हम देखते हैं वर्ब। वर्ब क्या है यहाँ पे, वर्क, वर्क काम करना, तो ये वर्ब को सीधा डायरेक्ट लिखेंगे। तो ये हो जाएगा ही इज, सो की जगह पे ये वाला टू, ही इज टू, उसके बाद हम क्या लिखेंगे, ये वीक, कमजोर, वो इतना कमजोर है कि वो काम नहीं कर सकता है, वो कोई भी ज्यादा काम नहीं कर सकता है। तो यहां पे हो जाएगा ही इज टू वीक, उसके बाद डायरेक्ट हम लिखेंगे टू, उसके बाद वर्ब टू वर्क। अब आगे का जो दिया हुआ है, यानी वर्क के बाद का जो दिया हुआ है, उसे हम एज इट इज लिख देते हैं। तो यहां पे हो जाएगा एनी मोर। आ रही चीजें समझ में, आ रही है ना? तो देखिए ही इज, सो की जगह पे हमने क्या लिखा, टू, ही इज टू वीक, यहां पे जो एडजेक्टिव दिया हुआ है उसे हम लिखेंगे। तो ही इज टू वीक, उसके बाद डायरेक्ट हम जो है टू लिखने के बाद सीधा वर्ब पे आ जाते हैं, बाकी इधर को हम छोड़ देते हैं, दैट ही कैन नॉट ये सब स्केप कर देते हैं, सीधा हमें वर्ब से मतलब है। तो टू लिखने के बाद डायरेक्ट हम वर्ब लिखेंगे, तो ये हो गया वर्ब, वर्क, उसके बाद जो आगे जो भी चीज़ें हैं, जितनी लंबी लाइनें हैं, उसे हम एज इट इज एनी मोर लिख देते हैं, ठीक है। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। द बॉक्स इज वेरी हैवी, आई कैन नॉट लिफ्ट इट, कंबाइन सेंटेंसेज यूजिंग सो दैट। अब यहाँ पे हम सो दैट का यूज करेंगे, तो यहाँ पे सो दैट का जब यूज करते हैं तो हम वेरी की जगह पे क्या लिखते हैं, सो लिखते हैं, पिछले वीडियो में भी हमने देखा, और उसके बाद हम लास्ट में, इस सेंटेंस के लास्ट में लिखते हैं दैट, और उसके बाद जो नेक्स्ट सेंटेंस दिया होता है उसे एज इट इज लिख देते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं लिख रहा हूँ द बॉक्स इज सो हैवी, ये हो गया, सो लिखा मैंने वेरी जगह पे, द बॉक्स इज सो हैवी, उसके बाद मैं क्या लिखूंगा दैट, उसके बाद जो दूसरा सेंटेंस है उसे एज इट इज, दैट आई कैन नॉट लिफ्ट इट, इस तरह से। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। यू डू योर होमवर्क, चेंज द सेंटेंस इनटू इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव में चेंज करना है। तो यहां पे ये हो गया डू, फिर यू, फिर डू, उसके बाद योर होमवर्क, और ये क्वेश्चन वाला है तो यहां पे हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। डू यू डू योर होमवर्क, ये डू जो है हेल्पिंग वर्ब है, ये हमारा मेन वर्ब है, ठीक है। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज
I like reading books. Pick out non-finite verb and write it. Non-finite verb को यहाँ पे हमें select करना है, कौन सा non-finite verb है. तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि finite verb एंड non-finite verb होते क्या हैं. Finite verb ऐसे verb होते हैं जो subject के tense, subject के person या फिर सब्जेक्ट के नंबर के अकॉर्डिंग चेंज होते रहते हैं. उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं फाइनाइट वर्ब. और जो चेंज नहीं होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? नॉन फाइनाइट वर्ब. तो इस सेंटेंस में देखिए, यदि मैं आई की जगह पे मैं ही लिखता हूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ही लाइक्स रीडिंग बुक्स हो गया. यानी मैंने पर्सन चेंज किया है. नंबर यदि मैं चेंज करता हूँ, आई का मैं वी करता हूँ तो भी वी हो जाएगा, वी लाइक रीडिंग बुक्स हो जाएगा. ठीक है, मैं इसका टेंस चेंज करता हूँ. टेंस यदि ये प्रेजेंट में है, यदि मैं इसे लिखता हूँ पास्ट में तो ये क्या हो जाता है? आई लाइक्ड रीडिंग बुक्स. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि ये जो लाइक लाइक लाइक्ड, यहाँ पे लाइक है, यहाँ पे लाइक्स, यहाँ पे लाइक्ड. यानी मैं यदि टेंस चेंज करता हूँ, परिवर्तित मतलब वर्ब जो है वो परिवर्तित हो रही है. यदि मैं पर्सन चेंज करता हूँ तो भी, यदि मैं नंबर चेंज करता हूँ, यानी कोई भी, यदि कोई भी चीज, यानी हम टेंस चेंज करते हैं, पर्सन चेंज करते हैं या नंबर चेंज करते हैं, तो तीनों में से अगर कोई भी अगर चेंज होता है, इट मींस यहाँ पे जो चेंज हो रही है वर्ब, तो उसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहेंगे फाइनाइट वर्ब. क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे फाइनाइट वर्ब. और एक को देखिए, ये जो रीडिंग है, यहाँ पे भी रीडिंग है, यहाँ पे भी रीडिंग है, यहाँ पे भी रीडिंग है. इट मींस ये जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के टेंस के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के पर्सन के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के नंबर के अकॉर्डिंग कोई भी चेंजेस नहीं हो रहे हैं. इट मींस यहाँ पे हमारा जो नॉन फाइनाइट वर्ब है, जिसे हमें पीक आउट करने के लिए कहा जा रहा है, तो हमारी जो नॉन फाइनाइट वर्ब है वो क्या है? नॉन फाइनाइट वर्ब है वो है हमारी रीडिंग. तो यहाँ पे आप आंसर लिखिए, ये हो गया रीडिंग, ये है नॉन फाइनाइट वर्ब. यदि बात आती फाइनाइट वर्ब की, तो यहाँ पे इस सेंटेंस में लाइक जो है वो है फाइनाइट वर्ब. आई होप कि आप समझ गए होंगे कि फाइनाइट वर्ब एंड नॉन फाइनाइट वर्ब को हम कैसे पहचानते हैं, कैसे हम जो है इन चीज़ों को समझ सकते हैं. ओके, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, राम इज अ पोस्टमैन, ही डिलीवर्स लेटर्स. कंबाइन यूजिंग रिलेटिव क्लॉज. रिलेटिव क्लॉज का यूज करते हुए हमें सेंटेंस को कंबाइन करने हैं. तो यहाँ पे देखिए, राम इज अ पोस्टमैन, तो यहाँ पे हम लिखेंगे राम इज अ पोस्टमैन, ही डिलीवर्स लेटर्स. तो यहाँ पे ही को काट देते हैं, यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? हु लिख देंगे. हु डिलीवर्स, क्या डिलीवर करता है? लेटर्स. यहाँ पे लेटर्स. ठीक है, तो इस तरह से रिलेटिव क्लॉज या एडजेक्टिव क्लॉज का हम यूज कर सकते हैं. रिलेटिव क्लॉज या एडजेक्टिव क्लॉज क्या होते हैं? तो ये ऐसे क्लॉज होते हैं, यानी रिलेटिव इट मींस क्या, एडजेक्टिव जो जो नाउन है या प्रोनाउन है उसके बारे में कोई अतिरिक्त सूचना दे या फिर उसके बारे में उसकी विशेषता बताए. तो यहाँ पे अतिरिक्त सूचना दी जा रही है किसके बारे में? राम के बारे में, यानी नाउन के बारे में सूचना दी जा रही है ना कि वो क्या करता है, वो लेटर को डिलीवर करता है. यानी उसकी विशेषता कहो या उसके बारे में कोई सूचना कहो या अतिरिक्त जानकारी दो, यही होता है रिलेटिव क्लॉज. ओके, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मेक टू काइट्स, चेंज द पैसिव वॉइस. पैसिव वॉइस में चेंज करना है, ये इंपरेटिव सेंटेंस है. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इंपरेटिव सेंटेंस में हम हमेशा किसका यूज करते हैं? हम हमेशा लेट का यूज करते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे लेट, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं. तो ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? ऑब्जेक्ट है टू काइट्स. तो लेट टू काइट्स, लेट टू काइट्स.
उसके बाद हम क्या लिखते हैं, बी। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, ले टू काइट्स, बी। मेक की जो थर्ड फॉर्म होती है वो होती है मेड, मेक मेड मेड। तो इस तरह से ले टू काइट्स बी मेड। तो यहाँ पे जैसे हिंदी में यदि हम देखें तो दो पतंगे बनाओ या दो पतंगे बनाया जाए, इस तरह से ले टू काइट्स बी मेड। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज अब्दुल गेव मी अ पेन। अब्दुल ने जो है क्या किया है, अब्दुल ने मुझे एक पेन दिया है। तो इसे यदि हम पेशी वॉइस में चेंज करते हैं तो दो तरीके हैं। क्यों दो तरीके, क्योंकि यहाँ पे मी एक ऑब्जेक्ट, अ पेन ये भी एक ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट वन ऑब्जेक्ट टू, तो दो तरीके से हम बना सकते हैं। तो पहले मैं ये वाला बनाता हूँ। तो ये यदि हम सब्जेक्टिव केस पे लिखेंगे तो ये हो जाएगा आई, उसके बाद ये पास्ट सिंपल की का सेंटेंस है तो यहाँ पे हो जाएगा आई के साथ क्या आता है, वॉज, आई वॉज, वर्ब की थर्ड फॉर्म गिवन, गिव गेव गिवन। हमेशा पेशी वाइज में याद रखिए वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज की जाती है। आई वॉज गिवन, उसके बाद ऑब्जेक्ट टू अ पेन, आई वॉज गिवन अ पेन किसके द्वारा, बाय अब्दुल, इस तरह से आई वॉज गिवन अ पेन बाय अब्दुल। या फिर यदि मैं ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट को पहले लिखता हूं तो वो हो जाएगा अ पेन, एक पेन है इसलिए यहां पे भी वॉज आएगा। अगर पेन एक से ज्यादा होते तो क्या आता, पेन्स वर। अ पेन वॉज गिवन किनको दिया जाना है, टू मी, यहाँ पे टू का यूज करना होगा क्योंकि कोई पर्सन है तो टू का यूज करना जरूरी है। टू का यदि हम यूज नहीं करेंगे तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा, तो आ जाएगा टू मी, उसके बाद बाय अब्दुल, इस तरह से अ पेन वॉज गिवन टू मी बाय अब्दुल। तो इस तरह से हम दोनों तरीके से लिख सकते हैं और दोनों ही क्या है, करेक्ट है। So, इस तरह से हमने जो है कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लिए हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो लेक्चर काफ़ी अच्छे से पसंद आया होगा। हमारी टीम हमेशा आपके साथ है, ढेर सारे वीडियो लेक्चर आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। और इसलिए आप जुड़े रहेंगे तो इससे आपको ही फ़ायदा है, आपके आने वाले एग्ज़ाम्स में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर्स आएंगे। इस वीडियो को आप लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आने वाले हमारे जो नए नए वीडियोस है उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। मैं मिलूंगा एक इंटरेस्टिंग लेसन के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।